सबसे पहले तो हम आईडी में कुछ चेंजेस करते हैं, वो देखते हैं क्या करने हैं हमने। हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, फिर हम जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर, फिर हम जाएंगे एडिटर के अंदर। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन में CPP लिखा होगा, इसको हम चेंज करके डॉट सी कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी फाइल सेव होंगी डॉट सी से होंगी ऑटोमेटिकली। ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जाके एक नई फाइल बनाते हैं। ये देखिए अपने आप नो नेम, नो नेम मतलब अभी कोई फाइल का नाम नहीं दिया गया है इसको, नो नेम 00.c नाम से ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें अपनी फाइल बनाने के बाद उसको सेव करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम वेलकम मैसेज देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कोई भी, हमने स्ट्रक्चर देखा था हमने कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे void main ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद बीच में हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट और इसके अंदर हम लिखेंगे अपना मैसेज वेलकम टू सी। लास्ट में हम इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन चुका है, हम इसको अब सेव करेंगे। फाइल मेन्यू में जाके जब हम सेव करेंगे तो इसको हम एक नाम दे देंगे, हमने इसका नाम रख दिया है 1.c। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है 1.c के नाम से। अब हम इसमें इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। कंपाइल एंड रन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी Ctrl F9। जब हम Ctrl F9 करेंगे ये कंपाइल भी हो गया है और रन भी हो चुका है, लेकिन हमें आउटपुट कुछ नज़र नहीं आई है। आउटपुट देखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी Alt F5। Alt के साथ F5 का बटन दबाएंगे हम तो ये हमारी आउटपुट आ रही है वेलकम टू सी, ये लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करेंगे वापस हम अपने एनवायरनमेंट में IDE में वापस आ जाएंगे।